मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ देहरादून में और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित होटल इंडस्ट्री के जगमगाते सितारे। देहरादून ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में अपना विशेष स्थान रखने वाले होटल मधुमन के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर श्री SP कोचर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, क्वारंटाइन हुआ पूरा देश, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत मुसीबतें आईं, होटल इंडस्ट्री भी इससे अछूता नहीं रहा। तो अब थोड़ी उसकी छाया कम हो रही है और ये जो सब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ थी जिनमें सैकड़ों वर्कर्स काम करते थे, उनको इन्होंने बनाए रखा, किसी को निकाला नहीं, क्योंकि सब पुराने लोग हैं और सब तरह से मदद की और इसको झेला, इस त्रासदी को अकेले बगैर किसी की मदद के। तो ये जो इनके अंदर पराक्रम कहें, शौर्य कहें, जीवट कहें, शक्ति कहें एक परिवार की, क्योंकि इनके बेटे भी इनके साथ इस व्यापार में हैं और व्यापार होने के बावजूद भी ये दिल से जुड़ा मामला है, ये मिजाज और मूड से जुड़ा मामला है, ये खूबसूरती से जुड़ा मामला है। तो इस दौर में भी SP कोचर जी ने सब सहा है और बहुत ही ये यहाँ से लोगों को प्रेरणा देने वाली पर्सनालिटी है। तो सर, मेरा पहला आपसे यही जानना चाहती हूँ मैं और मेरे दर्शक, कि अब जो आज की स्थिति है और इतना लॉस करोड़ों रुपए का हो गया है और लोग ऐसा बोलते हैं कि जिनके होटल बंद हो गए वो अब कभी नहीं खुलेंगे, ऐसी सख्त बात भी कहते हैं। ये बात करेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर होटलों ने लोन्स भी लिए हुए थे जी, और इनकम बंद हो गई तो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह देनी मुश्किल हो गई जी। हम लोगों ने किसी तरह से तनख्वाह पूरी दी, होटल को बंद होने से रोका जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि हमने होटल जब बनाया तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी, लायबिलिटी ना होने की वजह से हम बच गए जी। लेकिन एज़ फार एज़ टूरिज्म की सपोर्ट है या मिनिस्ट्री की सपोर्ट है, वो बिल्कुल कोई नहीं, और इससे हम फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इज़ इन ट्रबल जी। जी, टूरिज्म सिर्फ होटल के लिए नहीं होता नहीं जी। जब टूरिस्ट आता है तो वो किसी दुकान से ख़रीदता है, कोई टैक्सी लेता है, कोई किसी को किराए पर लेता है, तो वो पूरी मार्केट को डेवलप करता है जी। वो सिर्फ होटल को लिए नहीं होता जी, हाँ जी। और दूसरा ये है, टूरिज्म स्पॉट्स को डेवलप अगर हम करते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी दुकानों को बिजनेस मिलता है, वहाँ के गाइड्स को बिजनेस मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं कर रही कि टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं, पहले तो एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं सर्टन कंट्री में, जैसे देहरादून में कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, सल्फर स्प्रिंग्स हैं, मंदिर हैं और चीज़ें हैं, तो वो उनको कैसे लाइट में लाया जाए ताकि टूरिस्ट जो आता है वो लेयर के लिए, प्लेयर के लिए और एंजॉयमेंट के लिए आता, तो वो कमरे में बैठ के क्या करेगा? अगर तो कुछ बिजनेस की वजह से आया है तो वो बिजनेस को काम करेगा, लेकिन उसको टूरिस्ट नहीं कह सकते आप। तो टूरिज़्म को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और टूरिज़्म स्पॉट्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया। और जैसे देहरादून मसूरी है, तो यहाँ ग्रीनरी को कैसे एडवर्टाइज किया जाए जी, फॉरेस्ट को कैसे एडवर्टाइज किया जाए, और टूरिस्ट पास जहाँ पर जाके आदमी को खुशी मिले, एंजॉय करे और वो लोगों को बता सके कि आई हैव एंजॉयड, तो वो जब तक डेवलप नहीं होगा तो कभी भी टूरिज़्म नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने शुरू में लगाई, लेकिन इससे टूरिज़्म तो ख़त्म हुआ, तो अब जो लोग झंझट नहीं चाहते, जो हुआ उसको सुधारा कैसे जाए जी, और एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाए, और क्या फैसिलिटी होटलों को दी जाए जो लॉस में चले गए, जो प्रॉब्लम्स में आ गए, जो आज प्रॉब्लम्स में हैं, और उसके बाद टूरिज़्म नहीं बढ़ा जी। तो जो है,
इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि टूरिस्ट स्पॉट्स को बढ़ाया जाए और ब्यूटीफुल किया जाए और उनको प्रॉपरली बार बार एडवर्टाइज किया जाए कि ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां आप जाके के एंजॉय कर सकते हैं और ये होटल हैं जहां आप ठहर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बेशक वो सर्वे करें, जैसे मेरा होटल है, मेरे को अमेरिका ने तो अवार्ड दे दिया लेकिन अब वाकई कहाँ गया। अमेरिका ने तो कह दिया ये ग्रीन होटल, आप ग्रीन होटल है तो बाकी कहाँ गए। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमारी गवर्नमेंट को एडवर्टाइज़ करनी चाहिए ताकि वो होटलों का बिजनेस बढ़े और आगे बढ़े और आगे चले। बिल्कुल सर्वे करके जो ट्रुथ हो उसको पब्लिश करें, और ये नहीं कहता कि हर एक होटल को कह दें, जो ट्रुथ को पब्लिश करें सर। और एक लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स भी होना चाहिए कि लोग कब कब आ सकते हैं। फेस्टिवल जो है, हर फेस्टिवल होते थे पहले, जैसे हर इवेंट में फेस्टिवल होते थे, हाँ, हरोला था, कुछ और था। अब वो फेस्टिवल्स भी बंद हो गए क्योंकि लोग आते कम हैं, तो उन फेस्टिवल्स को भी प्रॉपरली एडवर्टाइज किया जाए और उनको होटलों के साथ लिंक करके एडवर्टाइज किया जाए ताकि वो फेस्टिवल बढ़ें। इससे हम होटलों को नहीं हेल्प कर रहे, हम इसको सोशली हेल्प कर रहे हैं सबकी, क्योंकि होटल में एम्प्लॉइज भी हैं और ट्रेवल एजेंट्स भी हैं और जो है टैक्सी वाले भी हैं, मजदूर भी हैं, ये सब का डेवलपमेंट इसके साथ होगा। हैंडीक्राफ्ट्स तो के डेवलपमेंट को हम रोक रहे हैं जी। सर कुजीन भी यहाँ का ऐसा है, अट्रैक्टिव है, सुना है बड़ा इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला कुजीन है उत्तराखंड का। कुजीन जो है, कुजीन को भी बढ़ाया जाए, देखा जाए, पूरा सर्च किया जाए। जैसे अगर आप उत्तराखंड का कोई स्पेशल कुजन है तो उसको इंट्रोड्यूस करिए ताकि उसको खाने के लिए लोग आएँ और वहाँ की चीज़ बिके और वहाँ के लोगों को प्रोत्साहन मिले। सर आपका अब जो भी स्थिति है आज की, इसमें आपका भारत सरकार से या अपने स्टेट से, अपने चीफ मिनिस्टर से या अपने पर्यटन मंत्री से आपकी क्या अपील है सबकी तरफ से, देहरादून होटल एसोसिएशन की तरफ से? अपील दो तरह की है, एक तो ये है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको प्रॉपरली डेवलप किया जाए और उनको प्रॉपरली एडवर्टाइज किया जाए। जिस शहर का भी जो टूरिज्म है, देहरादून में टूरिज्म बहुत था क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत थे, उनमें से मोस्ट जैसा माता का मंदिर है आपका डबरसन रोड पर, और भी हैं यहाँ पर, शिव जी टेम्पल है, फिर जो है आपका सल्फर स्प्रिंग है, गड़ी कैंट का मंदिर है, गड़ी कैंट का शिव जी टेम्पल है, पर बहुत पुराना, हजारों साल पुराना। तो और वो जो है आपके सल्फर स्प्रिंग्स हैं, लोग दूर दूर से वहाँ नहाने के लिए आते थे जिनको तकलीफ होती थी। दूसरा ये है पार्ट्स को नीट एंड क्लीन रखा जाए, ये नहीं कि छोटी छोटी दुकानें वहाँ खुल जाएँ। मैं ये नहीं कहता दुकानों को हलाओ, उनको हटाओ, उनको डेवलप कराओ और उन्हीं को ताकत दो ताकि वो टूरिज्म को सपोर्ट कर सकें। कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ जी, कुछ और बताना चाहेंगे? मैं अपने होटल के बारे में थोड़ा बतलाइए, आपका होटल कौन, कितने स्टार है, क्या सुविधा है और कैसे लोग आ सकते हैं इसमें? मेरा होटल जो है 1975 में खुला था, तब पहली पिक्चर की शूटिंग यहाँ हुई थी और वो जो है 1945 से हम रेगुलरली चल रहे हैं। 25 कमरे का होटल था, आज 112 कमरे का होटल है और काफ़ी फेमस है और हमको पूरे इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, ये एक नहीं इंटरनेशनल अवार्ड पूरे मिले हैं। मैं उनका जिक्र कैसे करूं क्योंकि बहुत सारे हैं। तो वो हमने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जिसकी वजह से वो अवार्ड मिलते हैं। तो और गेस्ट की हमारे लिए, मैंने होटल खोलने से पहले एक प्रेयर की, होटल खोलने से बनाने से पहले, कि मैं जो होटल खोल रहा हूँ वो गेस्ट की सेवा के लिए खोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो गेस्ट है। तो वो गेस्ट जो है
उसको कैसे सर्व किया जाए, कैसे उसको खुश किया जाए, कैसी उसकी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। जी सर, किसके मोटिवेशन पे आपने, आप तो बैंकर थे, आप तो फाइनेंस के व्यक्ति हैं। ऐसा है, ओब्रायन होटल के मालिक मेरे घर पे आते थे जी, मेरे से मिलने के लिए, मेरे दोस्त थे। तो वो जब भी आते थे वो देहरादून में कहते थे मेरे से, कोचर में यहाँ कोई होटल ही नहीं जहाँ मैं रह सकूँ। बहुत मेरे को वो आइडिया मिल गया, उससे मैंने होटल की बात कही। उससे पहले मैं स्वाय आर्टिकल लिखने के और सोशल सर्विस के लिए और कुछ नहीं करता था। तो मैंने ये देखा, मेरा उस वक़्त ये था, और मैंने 1964 में इंजीनियरिंग करी थी, इसलिए मैं ज़्यादातर कॉलोनाइजेशन और प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। मगर जैसे ही मैंने होटल का सोचा तो मैंने प्रॉपर्टी का काम बंद कर दिया। सर थोड़ा अपने पिताजी के बारे में बताइए, वो भी तो बड़े इंजीनियर थे। वो तो बहुत बड़े इंजीनियर थे, लेकिन उनकी लाइफ में ट्रेजेडी थी। वो शुरू से इंजीनियर थे, और पाकिस्तान बनने से पहले 1942 में उनकी फैक्ट्री थी, ग्लास फैक्ट्री थी अम्बाला में। मैं पैदा भी अम्बाला में हुआ जी। तो वो जो है, फिर उसके बाद उन्होंने वो बेच दी, मेरा एक ही लड़का है, तो मैं क्या करूँगा। हमारी बहुत बड़ी हवेली और ज़मीनें थी पाकिस्तान में, गुजरात में, गुजरात पाकिस्तान में। तो वो वहाँ ले गए, और वहाँ से जब आए हम लोग तो मेरी माँ का सारा जेवर और उनकी सब कुछ लाहौर में छीन लिया गया। तो ही बिकेम ऑलमोस्ट ए बैगर। लेकिन आपने उन सब परेशानियों से निकल के एक मार्वल ऐसा होटल बनाया जो शहर में अनूठा है। मैं सोचता हूँ कि ये सब भगवान के हाथ में है, हमारा काम कर्तव्य करना है जी। फल जो है भगवान के हाथ में होता है। तो मेरे को प्रभु ने ये शक्ति दी कि मैं 18-18 घंटे काम कर सकता था जी। और अभी मेरी एज 87 से अबव है, तो मैं अभी भी आपने देखा काम करता हूँ। दूसरी बात जो है, खुश रहना। और जब हम आपस में भी बात कर रहे हैं जी, तो हम खुश हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी भारी गिफ्ट जो है भगवान देता है, पीस ऑफ माइंड की। तो मैंने अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं किया, और वो तब पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है जब आप अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते, गलत धारणा रखते हैं जी। तो उससे पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। तो मैंने पीस ऑफ माइंड को इम्पॉर्टेंस दी, और आज तक मैं इस उम्र में भी लग के काम कर रहा हूँ। सर आप तो डॉयन ऑफ द इंडस्ट्री हैं, जो नए लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखिए, कोई भी आए, कोई भी प्लानिंग करे, उस सबसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट है। तो गेस्ट को खुश कैसे रखना है, उसको कंफर्ट कैसे देनी है, उसको उसके साथ रिलेशंस कैसे बनाने हैं, ये ज़रूरी है। आपने पैसा लगा दिया, आप उसके प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन बात तो होनी गेस्ट से। तो गेस्ट को कंफर्ट मिलेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मित्रों। ये हैं श्री एस पी कोछड़ जी, 87 वर्ष के युवा हैं। युवावस्था में जो इन्होंने स्वप्न देखा, उस सपन को पूरा किया, 25 कमरों से 112 कमरे तक आ गए। और इस पूरे होटल की जो खूबसूरती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको यहाँ आना ही होगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी गुजरात के लिए कहते हैं कि पधारो एक दिन के ही लिए सही, तो ऐसे ही आप कम से कम एक दो दिन के लिए होटल मधुबन देहरादून पधारें, तब देखें कि कितनी ग्रीनरी है। और यहाँ के रसगुल्ले, आहा हा, एक मंगाओगे फिर मंगाते जाओगे। जो क्वालिटी है फूड की, एक्सीलेंट। जो ग्रीनरी है, आप सब भूल जाएंगे कि कहाँ से कितनी तकलीफ उठा के आए। होटल 6 एकड़ में है। 6 एकड़ में होटल है, लश ग्रीन, और इतने खूबसूरत कमरे, इतना अच्छा यहाँ कन्वेंशन हॉल,
कई इसमें इतने हॉल्स हैं कि कहीं भी छोटी बड़ी कैसी भी मीटिंग हो सकती है, एग्जीबिशंस लग सकती हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, और ये एक ऐसा होटल है जिसमें बहुत बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग आके रुके हैं, चाहे दिलीप कुमार रहे हों, दिलीप कुमार भी, राज कपूर भी, और सारे सारे जब फिल्म की शूटिंग होती है तो बड़े स्टार आते थे, तो इससे बढ़िया कोई होटल ही नहीं था। तो एक अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ फिल्म स्टार ही आए हों, माननीय मोदी जी भी यहाँ का स्वागत सत्कार यहाँ से ले चुके हैं, और उन्हें भी बहुत अच्छा यहाँ लगा था। उन्होंने तो इनसे ये भी कहा कि भाई एक होटल गुजरात में भी इसकी सीरीज़ बना दो, लेकिन चूँकि ये एक नेचर लवर हैं, सन ऑफ द सॉयल हैं, यहीं पे हैं पिछले 50-60 सालों से, तो इसी को अच्छे से अच्छा बना के अपने गेस्ट को कंफर्ट देना इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। और आप इनके बैक में देख रहे हैं कितने अवार्ड्स रखे हैं, जितने ऊपर हैं इतने ही अंदर हैं, और अवार्ड्स इन्हें मिलते रहते हैं, और जो इनका दुख है वो महसूस करने का है कि सारी दुनिया में इस होटल को ग्रीन होटल माना गया और इसकी सराहना हुई, इसको अप्रिशिएट किया गया, लेकिन खुद अपनी कंट्री में किसी को याद नहीं आता कि एक इतना खूबसूरत होटल है जो इतनी मुसीबतों में भी खड़ा रहा है, बंद नहीं होने दिया पिता पुत्रों ने मिलकर, ये इनके जीवट की, इनके आत्मिक और भावनात्मक शक्ति का भी प्रतीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इस पे ध्यान देंगी, और जो इन्होंने सूत्र मंत्र फार्मूला आपको बगैर किसी उसके यूं ही दे दिया है फ्री में, बगैर किसी कंसल्टेंसी के, कि आप लिस्ट बनाएं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, आप लिस्ट बनाएं फेस्टिवल्स की, आप लिस्ट बनाएं उन होटल्स की जहाँ लोग कंफर्ट में रह सकते हैं, और कनेक्टिविटी की, सड़कों की, जिससे लोग फॉरेन क्यों जाएं, अगर जब फॉरेन जैसी लोकेशंस हैं अपने यहाँ तो वो फॉरेन क्यों जाएं, वो क्यों नहीं देहरादून आए, वो क्यों नहीं मसूरी जाएं, वो इनके पास हेरिटेज होटल भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार।